हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लिखा रहे हैं जो कैसे हम लोग ऑयल पास्टल शेडिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, बिगिनिंग से देख के लास्ट तक हम लोग किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं, कलर भी है यहाँ पे और पेपर भी हम लोग तैयार रखे हुए हैं। तो अच्छा अच्छा हम लोग आज बताने वाले हैं जो किस तरह से हम लोग ड्राइंग को शुरू करते हैं और किस तरह से हम एंडिंग करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना ना भूले और वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लू कलर से हमने स्काई का शेडिंग किया, फिर व्हाइट कलर से स्मैश कर दिया जैसे रियलिस्टिक जैसा इफेक्ट आ जाए, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, येल्लो कलर कैसे करते हैं, ऊपर से लेके हमने येल्लो कलर किया, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, नीचे से मैंने ग्रीन करते हुए धीरे धीरे से ऊपर आना शुरू किया, तो नीचे से वो भी लाइट ग्रीन किया। फिर धीरे धीरे से मैंने क्या किया, डार्क ग्रीन कलर से मैंने शेडिंग किया, आप लोग देख ही सकते हैं शेडिंग किया। फिर मैंने क्या किया, ब्राउन कलर से मैंने पेड़ के ठेनी बनाए, उसके बाद मैंने लाइट येल्लो से मैंने घर बनाए, फिर धीरे धीरे मैंने करता गया, आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से मैंने करता गया। वीडियो में देखिए, ऑरेंज कलर से मैंने फिर क्या किया, शेडिंग किया। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने करता गया। ब्राउन से मैंने दरवाज़ा इसलिए बनाए रहते, ब्राउन कलर देने से दूर से हम लोग को मतलब ब्लैक टच करने से पहले हम ब्राउन कलर टच करते, इसलिए मैंने पहले ब्राउन कलर से दरवाज़ा बना दिए। फिर लैंड किए, अभी लैंड तो डायरेक्ट हम ब्राउन है, ब्राउन कलर का होता है तो ब्राउन कलर तो पहले नहीं दे सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने पहले येल्लो टच कर दिए। फिर धीरे धीरे मैंने थैनी पत्ते ग्रास ऐसे बनाना शुरू किए। फिर ग्रीन कलर से मैंने थोड़ा लाइट ग्रीन पहले मारा, फिर डार्क ग्रीन से मैंने सेट किया। अब इतना अच्छा लैंड है, सामने नदी तो होना बनता ही है कि नहीं दोस्तों। तो मैंने नदी भी बनाई, नदी में डार्क तो होना ही होगा, नहीं तो नदी ख़राब लगेगा देखने में, है ना। तो मैंने छोटा सा प्यारा सा एक डार्क भी बनाया जो बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो छोटे छोटे पक्षी भी बना दिए, तो आप देख ही सकते हैं।